अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये जी हमारा ओवर हेड वाटर टैंक, इसकी मैं आपको ड्राइंग भी चेक करवाऊंगा, साथ में वर्किंग है। हमारा 870 का स्टील है सारा, नीचे बॉटम पे, ऊपर हमारा 470 का स्टील आ जाएगा। और ये जो पैरापिट वाल है, जो इसकी रोटेट हो रही है वाल्स, ये हमारी 370 की है। तो ये देखें जी, इसकी स्पेसिंग दी हमने 6-6 इंच पे, जो हमने इस रुख में डाला है। मैं आपको सॉरी थोड़े हाथ से समझाता हूँ, जो इस रुख में डाला है इसे 6-6 इंच पे 870 की बार बॉटम जाल की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही ये टॉप आ जाते हैं आप ऐसे, ये फिर 6-6 इंच पे 870 की बार, और उसके बाद इसमें जेड लग गए। जेड आपको शायद नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये देखें ये जेड है, ये जेड लगा हुआ है। सॉरी मेरा हाथ किधर है, ये देखें इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये जेड लगा हुआ, उसके ऊपर टॉप जाल आ गया, टॉप जाल 670 का आ गया। ठीक है, ऐसे 6 इंच उधर से बीच में ऐसे ऐसे जाल बिछता जा रहा है, ऐसे ही 6 इंच पे बिछता जा रहा है। अब इसकी वाल्स आ गई, RCC वाल, रिटेनिंग वाल, जो ओवर हेड वाटर टैंक की आएगी, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखें, ये सारी 6-6 इंच पर आ गई हैं, और ऐसे भी 6-6 इंच पर 670 की बार आ गई है। वो ये RCC रिटेनिंग वाल आ गया, उसका पहले पाउंड लगाया, निशान लगा दिया, निशान लगाने के बाद उसमें डबल खड़े किए हैं, ये बिल्कुल बॉटम जाल पे जा गए, वो स्टे किया उसने, एल लगाए। देखें जी, ये हमारा अभी जाल पे वैसे वर्क हो रहा है, ये हमने एल लगा दिए इसके। बाकी आपको इसकी और डिटेल शेयर करते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।